बात करेंगे कॉमन टेंजेंट्स के बारे में। इसके बारे में कॉमन टेंजेंट्स के बारे में, यानी कॉमन टेंजेंट्स क्या होती है और कॉमन टेंजेंट्स को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने सर्कल्स की जरूरत पड़ेगी। जो कॉमन टेंजेंट होती है एक सर्कल से ड्रॉ नहीं होगा, इसके लिए मिनिमम कितने सर्कल की जरूरत है? दो। अगर हमारे पास दो सर्कल हैं तो हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि कितनी कॉमन टेंजेंट्स है। और अगर हमारे पास केवल एक ही सर्कल है तो हम उस सर्कल से हम या तो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं या टेंजेंट्स ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें कितने सर्कल की जरूरत पड़ेगी? दो सर्कल्स की जरूरत पड़ेगी। आप इस समझ में? और कॉमन टेंजेंट होता क्या? कॉमन टेंजेंट होती है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्कल है और ये एक सर्कल अलग-अलग दूरी पर, कॉमन टेंजेंट वो टेंजेंट होगी जो इस सर्कल की भी हो और इस सर्कल की भी, उसे कहा जाता है कॉमन टेंजेंट। यानी इन दोनों सर्कल की एक ही टेंजेंट होगी। इन दोनों सर्कल की क्या हो? एक ही टेंजेंट हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा? कॉमन टेंजेंट। या ये सर्कल ऐसे भी हो सकते हैं, इन दोनों सर्कल की भी क्या हो? एक ही टेंजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे? कॉमन टेंजेंट। आप समझ में? या ये दोनों कहा हो? इंटरनली अंदर हो, इसका सेंटर है, दो सर्कल है, यानी यहाँ पे भी टू सर्कल्स हैं, यहाँ पे भी टू सर्कल्स हैं, यहाँ पे भी टू सर्कल्स हैं, तो इनकी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। आगे समझे कॉमन टेंजेंट क्या होता है? कॉमन टेंजेंट जो टेंजेंट दोनों सर्कल की वो क्या होगी हमारी कॉमन टेंजेंट। जो टेंजेंट इस सर्कल पे भी वही टेंजेंट और सर्कल पर भी वही टेंजेंट, ठीक। यानी इन दोनों सर्कल को टच करने वाली लाइन इन दोनों की क्या होगी? कॉमन टेंजेंट। जैसे देखो ये लाइन इसको भी टच करती नहीं, दोनों की एक पॉइंट पे इसको टच कर दिया, एक पॉइंट पे इसको टच कर दी, ये जो टेंजेंट है वो तो इन दोनों दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट। आपके दिमाग में आप देखो जैसे ये सर्कल ये तो क्या कर दोनों सर्कल को क्या कर दिए? तो ये दोनों सर्कल की टेंजेंट कही जा रही है। जैसे ये है, ये भी क्या कर रही? इस सर्कल को एक ही पॉइंट पे क्या कर रही? टच कर रही। तो इन दोनों सर्कल की जो टेंजेंट है, बेस टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट। आप समझ रहे हैं? यानी एक ऐसी टेंजेंट जो दो सर्कल्स को टच कर रही है। आप समझ में? टेंजेंट को क्या कहा जाएगा? कॉमन टेंजेंट। उन दोनों सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट कहा जाएगा। आगे समझ में? यानी कॉमन टेंजेंट किसे कहते हैं पता लग गया? कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कितने सर्कल की जरूरत है? दो सर्कल की जरूरत है। अब ये दो सर्कल में इनकी कंडीशन अलग अलग होती है। आगे समझ में क्या क्या कंडीशन होगी इन दो सर्कल की उसके बारे में समझते हैं और उनसे कितनी कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनकी अलग अलग कंडीशन हो सकती है, क्या क्या कंडीशन होगी इसके बारे में समझते हैं। पहला, या तो दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करते हो? इंटरसेक्ट करते हो। क्या करते हो? इंटरसेक्ट। पहली कंडीशन हुई, या तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हो? इंटरसेक्ट। या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रहे हो? आपके दिमाग में या तो ये इंटरसेक्ट कर रहे या ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा, या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे? टच कर रहे, टेंजेंट कर रहे, इस तरीके से। ऐसे टच करें, अरे टच है ये एक्सटर्नली टच सेंटर से, इनके सेंटर से,
बारिश होने पर और बी आपके लिए दो इंटरनली टेस्ट क्या कर रहे हो इंटरनली टच इंटरनली टच ये वाले स्मॉल सर्कल का सेंटर है और ये बड़े वाले सेंटर वोल्टेज आरी बात सुनी क्या ये इंटरनली भी टच ना कर रहे इस तरीके से कर रहे इंटरनली या तो इंटरसेप्ट कर रहे या इंटरसेप्ट नहीं कर रहे या टच कर रहे तो एक्सटर्नली नहीं इंटरनली टच कर रहे या टच कर रहे हमारी बात समझे बात यानी तो कितनी कंडीशन है इसकी वो सर्कल्स की फाइव कंडीशंस हो सकती हैं कितनी सर्कल कितनी या तो ये इंटरसेप्ट करेंगे या ये इंटरसेप्ट नहीं करेंगे या फिर ये टच करेंगे और टच की दो कंडीशन है या तो एक्सटर्नली या इंटरनली या ये इंटरनली टच नहीं करने ऑप्शन अब इनकी कॉमन टेंजेंट कितनी कितनी ड्रॉ की जा सकती है इसके बारे में देखो अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं तो उसकी कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है ये को यहां से दो हो जाए तो देखो ये और एक ऐसे ही नीचे से तो कितनी होगी दो दो कॉमन टेंजेंट कितनी होगी दो अगर कोई अगर दो सर्कल कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हो इंटरसेक्ट कर रहे हो तो कितने कॉमन टेंजेंट बनेगी दो बनेगी ठीक है कितनी बनेगी दो तो यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट CT कितनी है दो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा अगर ये सर्कल एक दूसरे को लगता इंटरसेक्ट कर रही ना ये टच कर वो तो बात है ना इसके अंदर ना तो ये टच कर रही और ना ये इंटरसेक्ट कर रही तो अगर कोई दो सर्कल नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट टू ईच अदर ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हो और ना टच कर रहे हो तो उससे कितनी कॉमन टेंजेंट बनाई जा सकती है तो कितनी बनेगी एक तो ये बन जाएगी हमारी समझ में और एक ऐसे ये बन जाएगी और एक ये ऐसे बन जाएगी एक ऐसे बनेगी नहीं ऐसे जाएगी और एक ऐसे टच करते जाएगी एक छोटे बड़े बने ना सरकार इस वजह से गुड़बुड़ हो रही है एक ही ऐसे जाएगी और एक है हमारी समझ में तो अगर दो सर्कल यानी कि टू सर्कल नाइदर इंटरसेक्ट और नॉर टच न तो इंटरसेक्ट करते और ना ही टच करते उससे कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी और कॉमन टेंजेंट बनेगी सीटी कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी इसमें बनेगी बाकी बात समझ में अब अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कैसे टच कर रहे हैं एक्सटर्नली टच इनसे कितनी टेंजेंट पॉसिबल है कितनी पॉसिबल है एक तो यहाँ से चली जाएगी और एक यहां से और एक ये यहां से जहां से ये क्या कर रहा है अच्छा यहां से कितनी टेंजेंट बन जाएगी हां जी यहां से कितनी टेंजेंट पॉसिबल है 3 कितनी 3 अगर कोई सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनकी कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी 3 इनकी CT हो जाएगी कॉमन टेंजेंट हो जाएंगी और ये बात समझ फिर आपके पास या जब कैसे टच कर रहे हैं सर्कल इंटरनली टच कर रहे कैसे टच कर रहे इंटरनली टच कर रहे तो कितनी टेंजेंट बनेगी केवल कितनी
कितनी बनेगी? वन। अगर ये इंटरनली टच करते हैं तो तब कितनी टेंजेंट बनेगी? केवल वन टेंजेंट बनेगी, यानी ये सीसी कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। आगे समझ में? आप ध्यान दो, अब अगर ये इंटरनली भी टच ना करे, इंटरनली भी क्या ना करे, टच ना करे, तो कितनी टेंजेंट बनेगी? जीरो। जब तक टच नहीं कर दे तो टेंजेंट तो बनेगी नहीं। अगर ये इंटरनली भी टच ना करे, इस केस में कितनी वाली कॉमन टेंजेंट? जीरो। यानी कोई भी टेंजेंट, कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं। आगे बात समझ में? तो हमने कॉमन टेंजेंट की सारी कंडीशंस को देख लिया। जब सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, जब टू सर्कल्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी? जब सर्कल नॉर टच हो, नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, ना तो टच करे ना ही इंटरसेक्ट करे, तो क्या क्या बनेगा? चार टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी? चार। दो तो ऐसे और दो ऐसे। अब अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करें तो कितनी टेंजेंट बनेगी? थ्री। दो ऐसे, दो ऐसे और दो कितनी बनेगी? थ्री। एक तो ये, एक ये और एक, तो कितनी बनेगी? थ्री। और जब ये इंटरनली टच करेंगे तो कितनी बनेगी? वन। तब बनेगी वन। और जब ये इंटरनली भी टच ना करे तो तब कितनी बनेगी? जीरो। यानी कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगी। अब इस